सांसद अरविंद शर्मा ने करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में प्रतिक्रिया देते हुए किसानों पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई रास्ता रोककर प्रदर्शन करेगा तो पुलिस कार्रवाई भी करेगी। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ विपक्ष का किया धरा है। कांग्रेस और चौटाला के राज में भी गोली और लाठी चली थी, उस समय कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई विपक्ष ये भी बताना चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना करने को लेकर 3 कृषि कानून सहमति से लेकर आई है, लेकिन विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। विपक्ष किसानों के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहा है। विपक्ष गुमराह कर रहा है और वो किसान ऐसा नहीं कर सकता। मेजोरिटी ऑफ लोग आप में मैं किसी के ज्यादा क्या कहूँगा। अगर किसानों को तो बिल्कुल, अगर आप देखेंगे उनका हमेशा प्यार प्रेम का माहौल चाहिए होता है, प्यार प्रेम का माहौल उन्होंने बनाया है, लेकिन खिंचन तान का माहौल विपक्ष की आंगड़ी लगने पर ये खिंचन तान का माहौल होता है। विपक्ष इस पर रोटी सेकना चाहती है, विपक्ष इस पर रोटी सेकना चाहती है, विपक्ष इसी से निचोड़ निकालना चाहती है। इसी आंदोलन के सारे हम पता नहीं कितनी सीढ़ी चढ़ जाएंगे। हम भी किसान परिवार से, मैं भी किसानियत करता हूँ, मैं भी किसान परिवार से हूँ, तो आप इन चीज़ों से जो सारे दुखी हैं, सारा के सारा परेशान हो रहे हैं। अब वो जो अब जो पार्टी को प्रोग्राम करती है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है, पार्टी का प्रोग्राम है, और कोई हम जा रहे हैं पार्टी के प्रोग्राम में, डेमोक्रेटिक वे से, लोकतंत्र वे से आप घेराव कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो, नारे बोल सकते हो, काले झंडे दिखा सकते हो, आप सड़क के किनारे का कुछ भी करो, लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी। आपने लिया रोड के बीच में आपने सबका घेराव कर दिया, जो उतर करके बाद उसके साथ आपने हाथापाई कर रहे हो।